हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो देखेंगे अभी पार्ट टू देखने वाले हैं, ठीक है। जिन लोगों ने पार्ट वन हाउ टू प्रिपेयर फॉर डॉम नहीं देखा है, वो पहले पार्ट वन अच्छी तरीके से देख ले, देन पार्ट टू में आए, ठीक है। तो पार्ट टू में क्या करने वाला है, पार्ट वन में कुछ ऐसी चीजें है जो मैं आपको कहने के लिए रह गई है, तो मैंने वो पार्ट टू में डाल दी है। तो पार्ट टू में हम क्या करने वाले, पार्ट टू में हम हाउ टू प्रिपेयर फॉर डॉम जो मेरा वीडियो था पार्ट टू में, उसका मार्क एनालिसिस देखने वाले, ठीक है। सो ये हाउ टू प्रिपेयर फॉर डॉम ही है, लेकिन इसका ये मार्क्स एनालिसिस है कि आपके जो पेपर्स है जो पास्ट ईयर के, उसमें किस तरीके का पूरा मार्क्स एनालिसिस रहा है, ठीक है। तो आपको उसको ज्यादा अभी आपको आपका जो व्यूज होगा, आपका जो अंडरस्टैंडिंग होगा डॉम के किस तरीके से क्वेश्चन और उसका किस तरीके से पैटर्न होगा, वो आपका ज्यादा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ हाउ टू प्रिपेयर फॉर डॉम, ठीक है, पार्ट टू। अब इसमें हम करेंगे मार्क्स एनालिसिस। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका जो यूनिवर्सिटी यानी जीटीयू का, आपका जीटीयू का यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है विथ ऑप्शन के साथ, जो आपका मार्क्स होता है टोटल मार्क्स होते हैं 119, ठीक है, विथ ऑप्शंस। तो अगर मान लो कि पूरा पेपर आपका विथ ऑप्शन 119 मार्क्स का है, मैं सात क्वेश्चन, आप में सात में से पांच क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं, मैं सात सात क्वेश्चन को गिन रहा हूं, अब तो सात सात क्वेश्चन को मैं गिन रहा हूं, तो उसका वेटेज होगा 119, ठीक है। अब वो सात क्वेश्चन में आप पूछेंगे कि सर अब इसमें आप मुझे ये बता दीजिए कि थियोरी कितने मार्क्स से पूछी जाती है और ये जो एग्जांपल्स होते हैं वो कितने पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेरा एक एनालिसिस लगा, मैंने देखा कि जो अगर हम विथ ऑप्शंस गिने जाए तो थियोरी होता है 42 मार्क्स की थियोरी निकल जाती है बैलेंसिंग वाइब्रेशन मिला के, और 77 मार्क्स के जो आपके जो होते वो होते हैं सम्स। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि थियोरी के कंपैरिजन में सम्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है तो हमें निकाल ही देना है क्योंकि विथ ऑप्शंस है, तो हमें विथ ऑप्शंस नहीं देखा है क्योंकि 42 मार्क्स है, लेकिन हमें जो आता है वो और दूसरा जो पार्ट है वो भी विथ ऑप्शन है, तो विथ ऑप्शंस वाला से आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, उसमें आप स्ट्रेटेजी भी नहीं बना सकते। सो ये तो पूरा ये हमें ध्यान में ही नहीं रखना है, ये तो सिर्फ बताने के लिए। अब ये आ गया आपका रियल पिक्चर, ठीक है। अब आपका जो यूनिवर्सिटी का जो आपका पेपर होता है वो होता है 70 मार्क्स का विदाउट ऑप्शंस, तो आपको 70 मार्क्स में से पास होना होता है। तो आपका जो बैलेंसिंग और वाइब्रेशंस दोनों मिला के आपका जो थियोरी पार्ट होगा वो 28 मार्क्स की थियोरी होगी, और ये 42 मार्क्स का सम होता है, ठीक है। तो इसमें प्लस और माइनस 3 से 4 मार्क्स हो सकते, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये फिक्स है, इस पैटर्न से कुछ ज्यादा फिक्स और चेंजेस नहीं आएंगे, ये मेरा एनालिसिस है, ठीक है। सो 28 मार्क्स की थियोरी होगी और 42 मार्क्स के सम्स हो गए। तो अब देख लो कि थियोरी के कंपैरिजन में जो ये मार्क्स का वेटेज है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो अब किस तरीके से इसको अप्रोच करें, तो मैंने बोला कि आपका जो थियोरी वाला पार्ट होगा वो 28 to 35 मार्क्स, लेकिन हम 28 मार्क्स के लिए चल रहे हैं, तो हमें 28 मार्क्स की जो है वो थियरी है, तो सबसे पहले पास होने के लिए हमें 28 मार्क्स वाला है ना, क्योंकि ये जो थियरी वाला पार्ट है 28, दिस इज थियरी, इसको मैं लिख देता हूं सम्स, ठीक है। तो 28 मार्क्स की थियरी 42 मार्क्स के सम, तो ये 28 थियरी वाला वो जो सम्स है वो फिक्स है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कोई ना तो कोई पैटर्न में चेंज होता है ना उसमें कोई ट्रिक किया जाएगा, ठीक है। तो डॉम का कोई भी हार्ड वाला पेपर ले लो, इजी वाला पेपर ले लो, ये क्वेश्चन से 28 मार्क्स वो फिक्स रहते हैं, थियरी कौन कौन सी थियरी होती है वो भी फिक्स रहती है। तो मैंने हाउ टू प्रिपेयर फॉर डॉम पार्ट वन के अंदर बैलेंसिंग और वाइब्रेशंस दोनों में से थियरी कौन कौन सी करनी वो लिस्ट दे रही है, तो वो पक्के कर डालो पहले, उसमें 100% जो थियरी वो सारी की सारी थियरी आपको अच्छी तरीके से देख लेनी है, ठीक है। तो उसको अच्छी तरीके से कर लो पार्ट वन में जो थियरी बताई है मैंने वो। तो अब 28 मार्क्स की थियरी और 42 मार्क्स के सम्स, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 28 मार्क्स की थियरी और 42 मार्क्स के सम्स है, उसमें से हमने 28 मार्क्स की थियरी करी, ठीक है, जो मैंने आपको पार्ट वन में बताया। मान लो वर्स्ट, दो केस लेंगे, एक वर्स्ट केस लेंगे और एक एवरेज केस लेंगे, डोम में मैं अच्छा केस कभी भी नहीं लूंगा, वो कभी होता नहीं है, ठीक है। सो दो केस ही होते हैं डोम के पेपर के अंदर, एक तो वर्स्ट वर्स्ट केस आएगा जिसमें गंदे से गंदा पेपर निकलेगा, और दूसरा एवरेज केस आएगा जिसमें पेपर आपका एवरेज होगा, अच्छा पेपर ऐसी कोई चीज डोम में नहीं होती है, ठीक है। एक पहले लिख के चलना, तो आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है वो आपका माइंडसेट बन जाए, ठीक है। तो पहले मैं लेता हूं वर्स्ट केस, मान लो वर्स्ट केस में हम इस तरीके से लेते हैं कि 28 मार्क्स है और मैंने आपको जो थियरी बताई है उसमें से आपने वो अटेम्प्ट करी, लेकिन आपको पता है 100% उसको गिन के नहीं चलना है। तो इन वर्स्ट केस आप 28 मार्क्स की जो थियरी है उसमें से वर्स्ट केस में आप जो मार्क ला रहे हो कितने ला रहे हो, 14, ठीक है। आपके जो थियरी में से मार्क आ रहे हैं वो 14, अब कौन सा बचा 42 मार्क्स वाला, ये सम्स। तो अब सम्स को किस तरीके से टारगेट करना है, मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया कि जो 42 मार्क्स वाले सम्स है उसमें से आपको सबसे पहले क्या करना है, बैलेंसिंग वाले सम्स पहले करने, क्योंकि बैलेंसिंग का मैंने पास्ट ईयर का पेपर्स देखा है कि बैलेंसिंग के अंदर सम्स है वो हार्ड नहीं पूछे जाते,
जो आपको वेरिएशन है वो भी बहुत फिक्स, जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है उसमें से ही वो पूछता है, उसमें ज्यादा ट्विस्ट भी नहीं होता है। और बैलेंसिंग के सम्स ऐसे जो इजी है, तो आपको सबसे पहले वाइब्रेंसेंस के एग्जांपल का बैलेंसिंग के आपको आने ही चाहिए, बैलेंसिंग को छोड़ना ही नहीं है बच्चों। बैलेंसिंग के सम्स अच्छे तरीके से कर लो, ठीक है। सम्स कर रहे हो तो सम्स में आप जितना टाइम रखा है ना उसमें 50% टाइम आप बैलेंसिंग को दे दो, क्योंकि उसमें आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें कोई ट्विस्ट नहीं होगा। तो बैलेंसिंग के दो सम्स आएंगे ही आएंगे बच्चों, गिन के लिख लो, 40 मार्क्स के सम्स हो गए ही हो गए बैलेंसिंग के। तो बैलेंसिंग के सम्स हमें अच्छे तरीके से, तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स में क्या करना है, बैलेंसिंग 100% एक्यूरेसी के साथ बैलेंसिंग करना है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल के अंदर अब वाइब्रेशंस, देखो वाइब्रेशंस में अभी यही चीज होती है कि यहां पे बच्चे ना मार खा जाते हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस के जो सारे क्वेश्चन आते हैं वो वर्स्ट केस पास आ जाए तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अब बहुत बच्चे ऐसे भी कंफ्यूजन में आ जाते हैं, सब वाइब्रेशंस तो हमें बहुत कंफ्यूजन। देखो भाई, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाला वो चैप्टर है ना, उसको छोड़ दे तू। उसके बाद जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, जो डैम्पिंग फैक्टर वाले सम्स है, ठीक है, बाकी के जो आप वाइब्रेशंस के चैप्टर देखो तो वो फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल है उसके। आपको फॉर्मूला याद रखना है, 4 से 5 फॉर्मूला है, उसके आप लिस्ट बना दो, एक नोट लेके बैठो, ठीक है, वो जो सारे चैप्टर्स है उसके देखो, इस एग्जांपल में कौन से फॉर्मूला लिस्ट हुए इसको राइट डाउन कर दो एक नोटबुक के अंदर, फिर उसका दूसरा निकालो कितने हो, तो एक चैप्टर के अंदर मान लो 10 फॉर्मूला निकले, तो आप ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 में मैक्स टू मैक्स, इतना भी नहीं होगा भाई, 15 से 20 फॉर्मूला है, वो ही गिन के आते हैं और उसमें से ही होता है। फिर आपको क्या होता है, उसमें डेटा जो दिया गया उसको उस इक्वेशन में डालना, जो आएगा वो आपका आंसर होता है। वाइब्रेशंस के बाकी के जो मैं आपको चैप्टर बढ़ रहा हूं, जो फॉर्मूला बेस बहुत ईजी है बच्चों, उसमें से आप ज्यादा से ज्यादा मार्क कवर कर सकते हो। तो आप ये जो फॉर्मूला बेस हो गया ना, उसमें से 2 क्वेश्चन तो आपके फॉर्मूला बेस आएंगे, सिर्फ वाइब्रेशंस के फॉर्मूला आने चाहिए और उसको डेटा में डाल दो, आंसर आ जाएगा। सो 42 मार्क्स है, उसमें से आपने 28 मार्क्स तो ऐसे ही कवर कर दिया, अब कौन से बचे 40। अब 2 सम्स ऐसे आएंगे जो भाई बहुत हार्ड हो सकते हैं। अब इसमें से आप एवरेज केस रहेगा तो एक क्वेश्चन ऐसा होगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाले सम, यानी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाले सम यानी रेलेस मेथड, एनर्जी मेथड, जो डीएलएमएस मेथड वाले सम है, जो पुली वाला केस है, ठीक है, तो वो हमें अच्छी तरीके से कर देना है पुली वाला केस। तो वो 3 वेराइटी है जो मैंने गिनाई हुई है, तीन मैंने सम्स लिखे हुए नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, मैंने 10 सम डाले हुए, तो 3 वेराइटी वाले, तो उसमें से कोई एक आएगा तो ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इसमें हम ज्यादा से वो इसमें ट्विस्ट भी ला सकता है, पैटर्न भी फिक्स हो अलग हो सकती है, ड्रॉइंग भी अलग हो सकता है, और बोलेगा इसका नेचर फ्रीक्वेंसी, तो इसमें हमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखना है। ऐसा नहीं कि इसको नहीं करना है, इसको करना है भाई, जब एवरेज वाला केस आ जाएगा तो ये भी तेरे काम में आ जाएगा, ठीक है। सो क्या होगा, 14 बैलेंसिंग जो कभी भी आपको गलत नहीं हो सकता, फॉर्मूला वाले 2 सम्स आएंगे, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड वाइब्रेशन से देखो छोड़ना मत बच्चों, फॉर्मूला वाले हो गए आपको शांति से करो यार, ठीक है। तो ये 28 मार्क्स तो आपको ऐसे ही हो गए 28 मार्क्स, और 14 मार्क्स क्या है आपके, वर्स्ट केस लेके चलते हैं ना, कि 2 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो हमको नहीं आएंगे, और यही रियलिटी है, प्रैक्टिकल लाइफ इसको बोला जाता है, ठीक है। अगर उसमें से आपका केस अच्छा रहा तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का कोई इजी वाला, यानी जो मैंने 3 पैटर्न एग्जांपल में गिना है उसी तरीके से कोई एक पैटर्न होगी, ठीक है, जो आपके बुक के अंदर नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाले सम दे वही आपको गिना है, ज्यादा मत करना है, ठीक है, तो वही एक पूछा जाएगा तो फिर तो आपके मजा आएगा, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकल रखते हैं, बी प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने गिने, तो आप अच्छी तरीके से देखो, अब हुआ क्या कि हमने देखा कि अगर मान लो वर्स्ट केस है, अब इस तरीके से करोगे बच्चों आप फाड़ दोगे ना पेपर, आपको अच्छा लगेगा, आपका पेपर अच्छा जाएगा। अब मान लो वर्स्ट केस लेके चलते कि थियरी के 28 है और सम्स के 40, टोटल 70 मार्क का क्वेश्चन है, वर्स्ट केस ऐसे लिया कि 28 में से वर्स्ट में से वर्स्ट पेपर आएगा ना, तो 40 मार्क्स तो मैं ला ही दूंगा 28 के अंदर से, ठीक है, और वर्स्ट केस रहेगा तो 42 मार्क्स जो एग्जांपल है उसमें से 14 तो मैं ला ही सकता हूं ना भाई, इतना तो मुझे मेरा अपना यकीन है, जितना मैंने आपको स्ट्रेटेजी दिया, तो 14 + 14 कितना हो जाएगा 28। अगर वर्स्ट में से वर्स्ट रहा ना, फिर भी बच्चों आप 70 से पास हो ही जाओगे अगर ये मेथड फॉलो करोगे। लेकिन आपको बताता हूं, मान लो ये तो वर्स्ट केस, लेकिन अब एवरेज केस रहा तो क्या होगा, तो एवरेज केस रहा तो मान लो 28 से आपको 23 मार्क्स आ जाएंगे, कोई अच्छा बच्चा है तो 28 में 23 और 42 में हम 28 मार्क्स गिन के चल रहा हूं, इसमें ज्यादा भी हो सकते हैं, पर मैं 2 क्वेश्चन ऐसे 2 सम्स मिलो कि वो मुझे नहीं आता है, तो 42 में 28 तो आएंगे, तो 23 + 28 कितने हो जाएंगे 51। ये एवरेज वाला केस, अच्छा वाला केस मैं कभी डोम में लेता ही नहीं हूं, ठीक है। तो बच्चों आप अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, मैं आपको दिल से कहता हूं बच्चों, आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे, मैंने पूरी मेहनत डाली हुई है, पूरा पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस डाला हुआ है, तो आप इस तरीके से करोगे तो आ ही जाएगा। अब लास्ट में आपको टिप्स देना चाहता हूं, कौन सी टिप्स करनी है पेपर के लिए, तो सबसे पहले थियरी मैंने आपको जो बताई हुई है पार्ट 1 के अंदर वो सारी कर लो बच्चों। डोम के अंदर सबसे पहली प्रिपरेशन आपको थियरी स्टार्ट करना है 100% एक्यूरेसी, ठीक है, उसमें किस कोई भी मिस मत करना, क्योंकि जब पेपर गंदा आएगा ना तब एक ही चीज होगी पास होने के लिए, होगा थियरी। सेकेंड सम्स, सम्स में भी कौन सा, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग विल बी द माई मोस्ट प्रायोरिटी, ठीक है, अच्छे तरीके से विद 100% एक्यूरेसी। थर्ड
वाइब्रेशंस में कौन से फॉर्मूला वाले, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड वाले जो सारे वाइब्रेशंस के एग्जांपल है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के जोड़ के बाकी जो चैप्टर वो सारे फॉर्मूला बेस्ड है। मेरे वीडियो देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा वो इसमें सारे मैंने फॉर्मूला यूज किया, इतना ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाया हुआ है। सो फॉर्मूला वाले जो भी सम्स आपको फॉर्मूला की लिस्ट बना देनी है, ठीक है, थर्ड में वो करना है ताकि मुझे वो आ जाए। और लास्ट में ड्रॉइंग, देखो भाई डोम का पेपर है तो ड्रॉइंग अच्छा रखना, प्रेजेंटेशन अच्छा ना रखना, ड्रॉइंग अच्छी करना तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। तो ये चार टिप्स को आप फॉलो करोगे, मैं बच्चों आपको 100% बोलता हूं आप डोम में अच्छे मार्क्स लेके आओगे। अगर आपको वीडियो अच्छा पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।